ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही स्मैकडाउन लाइव के बारे में, और जो आपको ये लोगो दिख रहा है अगली बार से लोगो यहां पर नहीं होगा क्योंकि स्मैकडाउन तब चले जाएगा फॉक्स नेटवर्क के ऊपर। आज ही यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन लाइव का आखिरी एपिसोड था। किस तरह का ये शो था, रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन फाइनली सेम पेज पर आ चुके हैं। काफी कुछ इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में बुक किया। केविन ओवेंस एंड शेन मैकमैन की स्टोरी लाइन ने प्रूव कर दिया कि ये चीज कितनी बार भी हो जाए कभी भी हमें बोर नहीं कर सकती। सारी बातें होंगी इस वीडियो में डिस्कस। कैसा ये शो था, अच्छा था या बुरा था, सब बातें होंगी। बस आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हमारी आज इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फोराबेट ने। फोराबेट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेलकर बेट्स या फिर कैसीनो के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग इंस्टेंटली जो आपका विनिंग अमाउंट है उसे पेटीएम में भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर यहां पर रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको फर्स्ट डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा, जिसे आप लोग अकाउंट पर किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, फिर चाहे क्रिकेट मैच पर बैट लगाना हो या फिर कोई भी काम हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से आप लोग इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले शो की शुरुआत होती है रोवन के साथ। रोवन कहते हैं कि देखो मैं कलाकार हूँ, कलाकारी को दिखाते हैं मारने में। एक पूरी फुटेज चल रही होती है उसको लेकर रोवन बताते हैं कि देखो उन्होंने क्या क्या कारनामे कर दिए। उसके बाद डैनियल ब्रायन आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें वैसे कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम सेटल करना चाहते हो चीज़ों को तो क्यों ना हम एक मैच रसल करें। और गाइज उसके बाद हमें रोवन वर्सेज डैनियल ब्रायन का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा मैच होगा क्योंकि WWE ने खुद ही एडवर्टाइज किया था कि रोवन रेंस एंड डैनियल ब्रायन का एक सेगमेंट होगा जहां पर वो आराम से बात कर सकते हैं रिंग के अंदर। लेकिन गाइज ये मैच शुरू होता है और हमें यहां पर क्या पता चला कि डैनियल ब्रायन एक फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। मैच में हम लोगों ने उनकी यस किक्स भी देखी जो काफी लंबे टाइम के बाद वापस आई। वहां पर फैंस यस चैंट कर रहे थे, मतलब जिस तरीके से एक मैच होता है पता लग जाता है कि कौन हील है या कौन फेस है। इससे पहले मैं बचपन में मैच देखता था तो इतना तो पता रहता नहीं था कि कौन हील है कौन फेस है, लेकिन हाँ देखकर पता चल जाता था कि नहीं भाई ये बंदा हीरो है, मेरा ये रहेगा। तो वैसी वाली इस मैच को देखकर फीलिंग आ रही थी कि डैनियल ब्रायन एक फेस सुपरस्टार बन चुके थे। और गाइस यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रोवन ने तहस नहस कर दिया और उन्होंने अपना आयरन क्लॉ जब फिनिशर लगाया एक बार तो थोड़ा सा पंगा हो गया था क्योंकि उनका जो रोप है वो रस्सियों के बीच में फंस गया था। और उसके बाद उनको रिंग में जाकर एक बार फिर से अपना फिनिशर लगाना पड़ा और गाइस उन्होंने हरा दिया डैनियल ब्रायन को। उसके बाद ल्यूक हार्पर आते हैं, ऐसा लगा कि भाई अब डैनियल ब्रायन की फिर से वाट लगने वाली है क्योंकि ल्यूक पर रोवन एक साथ डैनियल ब्रायन अकेले तो प्रॉब्लम तो यहां पर क्रिएट होनी थी। लेकिन इससे पहले कि वो आउटसाइड पर अनाउंसर टेबल पर कुछ करते, रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रोमन रेंस ने आते सबसे पहले ल्यूक हार्पर को अपना जो है सुपरमैन पंच लगाया, उसके बाद उन्होंने रोवन के ऊपर भी अटैक किया, ल्यूक हार्पर को उन्होंने ड्राइव बाय भी लगाया। लेकिन एक क्लोज लाइन जब उन्हें पड़ी तो रोमन रेंस चित हो गए, ऐसा लगा कि लगता है आज फिर से रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन का दिन नहीं है, फिर से पिट जाएंगे ल्यूक हार्पर एंड रोवन के हाथ। लेकिन फिर यहां पर रोमन रेंस की हेल्प करी डैनियल ब्रायन ने और उसके बाद हम लोग देखते हैं रिंग के बीचों बीच एंड में रोमन रेंस स्पीयर लगाते हैं जब डैनियल ब्रायन भी प्रॉब्लम में होते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर फाइनली रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन को मिला है अपर हैंड। और गाइस गुड न्यूज ये है कि हेल इन अ सेल में टैग टीम मैच भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, ल्यूक हार्पर एंड एरिक रोवन वर्सेस रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन। और गाइस हम लोगों ने ये भी देखा था एंड में कि डैनियल ब्रायन को जब ऑफर कर रहे होते हैं रोमन रेंस की भाई उठो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, तो डैनियल ब्रायन ने वहां पर उस ऑफर को लिया नहीं, उन्होंने स्लैप कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक वर्ड कहना चाहता हूं, क्या तुम हमें एक साथ देखना चाहते हो और हम मारें ल्यूक हार्पर एंड रोवन को मिलकर। जिसके बाद क्राउड का जो रिएक्शन है वो तो था ही भाई, हाँ भाई हम देखना चाहते हैं। गाइज यहाँ पर डैनियल ब्रायन ने फैंस को फोर्स किया यस चैंट करने के लिए। फोर्स तो नहीं किया, मतलब जैसे वो अपने हाथ उठा उठा के कहते हैं कि भाई यस चैंट करो, वैसे ही कुछ यहाँ पर डैनियल ब्रायन ने किया। आज स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हम लोग कह सकते हैं कि ऑफिशियली डैनियल ब्रायन का फेस टर्न हो चुका है जब उन्होंने रोमन रेंस के साथ एक साथ काम किया सेगमेंट के अंदर। और गाइज अब हेल इन अ सेल में मैच भी कन्फर्म हो गया है, पता था ये चीज़ हमें इसी तरफ लेकर जाएगी, कहाँ रोमन रेंस वर्सेज डैनियल ब्रायन से अब ये एक साथ टैग टीम में काम करने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, बट फिलहाल हेल इन अ सेल में टैग टीम मैच कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं WWE चैंपियन कोफी किंगस्टन का सिट डाउन इंटरव्यू था माइकल कोल के साथ। और सवाल तो भाई हमारे दिमाग में भी है कि आखिर उन्होंने क्यों ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और यही बात माइकल कोल पूछते हैं। तो कोफी ने कहा कि देखो मैं फाइटिंग चैंपियन हूँ, जब मैं चैंपियनशिप जीता था तो मैंने यही सोचकर जीती थी कि मैं इसे डिफेंड करूंगा और यही मैं करने जा रहा हूँ ब्रॉक लेसनर के सामने। और उनसे ये भी कहा जाता है कि भाई आप ब्रॉक लेसनर को हराओगे कैसे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये चैलेंज काफी टफ होने वाला है, बट उन्होंने ये भी कहा कि वो पास्ट में WWE के सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं, वो काफी बार ऑड्स को बीट कर चुके हैं और इस बार भी वो कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। वेल मैंने आपको कहा था कि कोफी किंगस्टन यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट लगेंगे और फैंस को बिलीव करवाएंगे कि वो सच में ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं, बट हमें वेट करना है इसके लिए 4 अक्टूबर 2019 की रात का, जब मेन इवेंट में WWE चैंपियनशिप का मैच सेट होगा और ब्रॉक लेसनर एंड कोफी किंगस्टन होंगे आमने सामने। अगले सेगमेंट की बात करें तो गाइस हमें यहाँ पर चैट गेबल देखने को मिलते हैं प्रोमो के साथ। उन्होंने उन सभी बातों को मेंशन किया कि कैसे उनका किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट गया, कैसे वो बैरन कॉर्बिन के हाथों हार गए। लेकिन लास्ट वीक उन्होंने एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि वो जीती थी क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से चैट गेबल जीते, बट उसके बाद माइक कैनालिस यहाँ पर आकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं और वो कहते हैं वो यहाँ पर ये प्रूव करने आए हैं
कि साइज मैटर करता है। अब आप इसके कितने मतलब निकाल सकते हो मुझे पता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर माइक कैनालिस और चैट गेबल का जो है सिंगल्स मैच हो जाता है। पता था यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, इवन चैट गेबल को अपने वो टी शर्ट या वो जो भी पहनी थी उन्होंने वो उतारनी भी नहीं पड़ी, और उसके बाद जो मैच है स्टार्ट हुआ इजिली उन्होंने सबमिशन मूव के सहारे से माइक कैनालिस को हरा दिया। बट एक बार फिर से चैट गेबल को इंटरप्ट किया जाता है, और ये थे इस बार एलायस। एलायस एक गाना बनाते हैं, वो कहते हैं सोचो अगर तुम किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीते होते तो फिर क्या होता, और वो कहते हैं एक ऐसा बंदा विनर होता है जो कि स्टीयरिंग व्हील, जो कार का स्टीयरिंग व्हील होता है उसके ऊपर भी नहीं देख सकता। यहां पर एक बार फिर से चैट गेबल की हाइट की मजाक बन गई, और ऐसा लग रहा है कि एलायस और चैट गेबल आगे कुछ पंगे कर सकते हैं। अगला हमें एक बहुत ही फनी बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। वैसे बैकस्टेज सेगमेंट में ज्यादा कवर करते नहीं क्योंकि वो बोरिंग से होते हैं, कुछ ज्यादा वहां पर होता नहीं है मैचेस करवाने के लिए, वहां पर चीजें होती हैं। शार्लेट फिर आती है आर्ट्रूथ के पास और वो पूछते हैं कि कार्मेला कहाँ है, और आर्ट्रूथ कहते हैं कौन कार्मेला, वो पता नहीं यूरोपियन कौन सी 48-7-11 पता नहीं कौन सी चैंपियनशिप का नाम लेते हैं। वो कहते हैं देखो मुझे पता है, शार्लेट फिर कहती है कि तुम्हें पता है कार्मेला कहाँ है, और उतने में कार्मेला बाहर आ जाती है और कार्मेला कहती है कि हाँ मैं फोकस हूँ शार्लेट फेयर और जो हमारा मैच होने वाला है एक साथ। और उसके बाद हमें कार्मेला एंड शार्लेट फेयर वर्सेस साशा बैंक्स एंड बेली के बीच मैच देखने को मिलता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि कार्मेला 24/7 चैंपियन है, वो थोड़ी इतनी तगड़ी सुपरस्टार नहीं जहाँ पर उन्हें तीन सुपरस्टार्स के बीच में डाल देगी, और साशा बैंक्स के सबमिशन मूव जब उन पर लगता है वो टैप आउट कर जाती है, और पहली फुर्सत में भी वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो 24/7 चैंपियन होती है। और भाई जब आपके पीछे चैंपियंस आएंगे, मतलब आपके पीछे सुपरस्टार्स आएंगे चैंपियन बनने के लिए, तो आपको तो प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। और गाइस हम लोग देखते हैं कि आज तक जो काम कार्मेला कर रही थी आर्ट्रूथ को बचाने का, अब आर्ट्रूथ कर रहे हैं कार्मेला को बचाने का, और वो कंधों पर लेकर कार्मेला को वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद शार्लेट फेयर रिंग में खाली हो जाती है, और साशा बैंक्स एंड बेली ने जब उन्हें घेरा हुआ होता है तभी बैकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और बैकी लिंच एंड शार्लेट फेयर यहाँ पर जो है थोड़ी सी उन्हें अपर हैंड मिला और साशा बैंक्स एंड बेली को वहां से उन्होंने भगा दिया। अगला मैच में देखने को मिलता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा वर्सेस अली के बीच, और ये नॉन टाइटल मैच था, लग रहा था यहाँ पर कि मैच किसी तरफ लीड कर सकता है। सबसे पहले तो सैमी ज़ेन आकर नाकामुरा को बहुत ही फनी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। मैच स्टार्ट होता है क्योंकि शिंसुके नाकामुरा हील है तो वो अपनी हील वाली चीजें करते हैं, यहाँ पर सैमी ज़ेन भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज गाइस काफी कूल लगी जब अली ने रेफरी के ऊपर से बाहर को डाइव लगाई। बट एंड में हमें जाकर पता ही था जब शिंसुके नाकामुरा का फिनिशर पड़ता है अली को तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, और इस मैच में नाकामुरा जीत गए। यहाँ पर अली को काफी ज्यादा मतलब ऐसा वीक सुपरस्टार दिखाया जा रहा है, ऑब्वियसली हील सुपरस्टार के सामने फेस को थोड़ा सा वीक दिखाते हैं, बट ये कुछ ज्यादा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अली कुछ तगड़ा ही बदला लेने वाले हैं। जिसके बाद हमें गाइस एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। इस मैच को करवाने का ज्यादा कोई मतलब नहीं था, ये मैच था बी टीम और न्यू डे के बीच, और ये तो बहुत शॉर्ट मैच होना चाहिए था बट WWE ने इसे घसीट दिया, और इसकी प्रॉब्लम उन्हें बाद में जाकर हुई जो कि मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। और बी टीम यहाँ पर हार गई जब बिगी ने अपना फिनिशर लगाया और न्यू डे इस मैच को जीत गई। नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है काबुकी वॉरियर्स मतलब कि आस्का एंड कायरी सेन वर्सेस मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल के बीच, और गाइस यहाँ पर टीम काफी स्ट्रॉन्ग है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल जिनको अच्छा बुक कर रहे हैं, बट हमें पता था विनर यहाँ पर कौन बनने वाला है। आस्का एंड कायरी सेन इस मैच में जीत गई, वैसे इस मैच को करवाने का इतना ज्यादा भी कोई मतलब नहीं था बट स्टिल काबुकी वॉरियर्स ने इस मैच में जीत। नेक्स्ट में गाइस देखने को मिलते हैं शेन मैकमैन लॉयर्स के साथ, और वो कहते हैं कि चलो लेट नहीं करते, वो केविन ओवंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, केविन ओवंस रिंग में आते हैं और शेन मैकमैन कहते हैं भाई मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन तो ये कि जिस तरह से तुम जी रहे हो तुम्हारी लाइफ को मैं तबाह कर दूंगा बर्बाद कर दूंगा, या तो तुम ये चाहते हो, या दूसरा ऑप्शन जो तुमने मेरे ऊपर लॉ सूट लगाया है वो तुम हटा दो और मैं क्या करूंगा मैंने जो फाइन लगाया वो भी हटा दूंगा, जो तुम्हें मैंने फायर किया मैं तुम्हें तुम्हारा स्पॉट फिर से वापस दिला दूंगा। लेकिन इस पर केविन ओवंस कहते हैं कि तुम सच में एक इडियट हो, वो यहाँ पर कहते हैं ना उन्हें ऑप्शन वन चाहिए ना ही उन्हें ऑप्शन टू चाहिए। गाइस वो यहाँ पर कहते हैं कि क्यों ना हमें इस चीज को सेटल करें एक मैच में एक फाइनल टाइम केविन ओवंस वर्सेस शेन मैकमैन, और वह कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऊपर होगा एक लैडर मैच होगा और इस मैच को हम कर देते हैं सेट। तो गाइस क्राउड यहाँ पर सच में पागल हो जाता है, केविन ओवंस ने जिस तरीके से यहाँ पर रोस्ट किया शेन मैकमैन को, मतलब उनके ऑप्शन की तो कोई बात ही नहीं सुनी और यहाँ पर अपनी चीज उन्होंने डाल दी। और यहाँ पर गलती ये हुई कि WWE के पास टाइम कम बचा था, मेरे ख्याल से शायद 1 या 1.5-2 मिनट ही होगा स्मैकडाउन लाइव को खत्म करने के लिए, क्योंकि गाइस टाइम लिमिट होती है उसके अंदर पूरा शो खत्म करना होता है। उसके बाद शेन मैकमैन को कहना था कि हाँ चलो तुम्हें मैच मिलता है, लेकिन माइक वहां पर बंद हो गया था एकदम से, केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। मतलब ये चीज तो काफी अच्छी थी कि केविन ओवंस और शेन मैकमैन का लैडर मैच होने वाला है गाइस, और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा, जो भी जीतेगा अगर यहाँ पर केविन ओवंस जीते तो उनको अपना स्पॉट मिल जाएगा और शेन मैकमैन हमेशा के लिए WWE से चले जाएंगे, लेकिन अगर केविन ओवंस हारे तो ना ही वो WWE में रहेंगे और शेन मैकमैन वहीं पर रहेंगे जहां पर वो हैं। केविन ओवंस को इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है कि शेन मैकमैन लॉकर रूम में, क्योंकि वो वहां पर उन्हें डिजर्व नहीं करते, और उसके बाद जब बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें आपको अपना मैच मिल गया है, लेकिन तब वहां पर माइक कट जाता है शेन मैकमैन का क्योंकि उनको तुरंत ही बैकस्टेज वाले सेगमेंट पे जाना था और टाइम कम था। और यहां पर गाइस हमें साशा बैंक्स एंड बैकी लिंच की ब्रॉल देखने को मिलती है, ऑब्वियसली हेल इन अ सेल में इनका रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। यहां पर गाइस अपर हैंड मिला साशा बैंक्स को और वो मिलना भी था क्योंकि
एक चैलेंजर है उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तभी लोग बिलीव करेंगे कि हाँ भाई ये सुपरस्टार भी चैंपियन बन सकता है। साशा बैंक्स ने यहाँ पर इस ब्रॉल में जो है उनको अपर हैंड मिला और उन्होंने तहस नहस कर दिया बैकी लिंच को। ओवरऑल अगर गाइस मैं शो की बात करूँ तो देखो शुरुआत अच्छी थी, एंडिंग अच्छी थी, लेकिन बीच में WWE ने कुछ फिलर डाले जो कि इतने ज्यादा मुझे खास नहीं लगे। मतलब ठीक थे स्टोरी लाइन आगे चलाने के लिए, बट फिर भी स्मैकडाउन का एपिसोड काफी डिसेंट था और आगे की स्टोरी लाइन के लिए WWE ने काफी कुछ बड़ा यहाँ पर कर दिया। तो गाइस अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में से आप लोग इसे कितने स्टार की रेटिंग देना पसंद करोगे। वीडियो गाइस अगर अच्छी लगी, अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस और देखने चाहते हैं फेस कैम वाली, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।